हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कुछ इस तरह। तो सो गाइस, आज हम लोग घर में क्रिसमस की डेकोरेशन करेंगे, और डेकोरेशन में मेरे साथ जो पार्टिसिपेट करेंगे आज, वो करेंगे हमारे अपने खान। ये देख सकते हैं, ये अपने खान। हेलो करें अपने खान। तो ये आज पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ, और साथ में मेरी मिसिज होंगी और मैं भी होंगे साथ में। तो हम लोग आज डेकोरेशन करेंगे क्रिसमस की, और क्रिसमस ट्री को सजाएंगे, अपने रूम को सजाएंगे, और अपने खान हमारे साथ होंगे। अपने खान, आप कितने एक्साइटेड हैं डेकोरेशन करने के? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कैप्स भी पहनी हुई है, सेंटा की मैंने भी पहनी है, और इस तरफ अपने खान ने भी पहनी हुई है। तो हम लोग को आपको दिखाते हैं जो हम लोगों ने सामान लेकर आए हैं डेकोरेशन का। कुछ हमारे पास ओल्ड भी था और कुछ हम नया भी लेके आए हैं, दोनों आपको दिखाते हैं। चले गाइस, तो सामान दिखाते हैं आपको। तो इस तरफ देख सकते हैं, ये आ जाए अपने खान, ये देखें, ये सेंटा का शूज, और इस तरफ ये इनका फेस, ये देखें सॉक्स हैं, इस तरफ देखें ये बेल्स रखी हुई हैं, ये सेंटा, ये देखें ये सेंटा, और ये क्रिसमस ट्री का सामान है, और इस तरफ ये है क्रिसमस ट्री की जो झालरें होती हैं, ये देखें गाइस, बताएं आप भी। और ये क्या है? जिंगल बेल्स हैं, और इस तरफ देख सकते हैं, और ये क्या है? ट्री, ये क्रिसमस ट्री है, और इस तरफ ये भी ट्री है। ठीक है, दो हमारी ट्री हमारे पास, एक कौन सी है, एक पिंक है और दूसरी ग्रीन वाली। तो ये दोनों हमारे पास ट्री अवेलेबल हैं, मौजूद है, हम लोग इनको डेकोरेट करेंगे। ये क्या स्टैंड रखा हुआ है, ये हमारे पास लाइट्स, देखें। तो बहुत सारा सामान हम लोगों ने लिया है, और दिखाया, स्नो स्नोमैन भी है, और ये देखिए इनका फेस भी है यहाँ पर। तो अभी हम लोग करते हैं इनको डेकोरेट, तो फिर आपके साथ कहना। वाह अपने खान, वाह अपने खान, और क्या क्या चीज़ें बताते रहो। आपको कौन सी वाली ट्री अच्छी लगेगी? मुझे ये और ये। कौन सी? ये वाली और ये वाली, दोनों ट्री अपने खान को पसंद है, और अपने खान इसको डेकोरेट करेंगे मेरे साथ मिलकर। और ये क्या है? ये है रीत, हाँ इसको रीत बोलते हैं, ये हम लोग खुद ही घर पर बनाते हैं। तो चले गाइस, अभी हम लोग तैयारी वगैरह करते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, और अपने रूम को डेकोरेट करते हैं। चले चले गाइस, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। तो अपने खान ने क्रिसमस को रेडी करना शुरू कर दिया है, क्रिसमस ट्री को। और ये देखें क्रिसमस ट्री हमारा, ये है 5 फिट का क्रिसमस ट्री है, और वो भी देखें सामान लेकर आए हैं क्रिसमस का। वाह अपने खान, तो पहले इसको खोलना है, ठीक है, तो क्योंकि ये वो पूरा ज्वाइंट है ना, तो इसको पहले खोलेंगे, तो फिर इसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है अपने खान। सो गाइज, अभी एबनर लॉग और उसका पापा जो है वो ट्री को खोल रहे हैं और डेकोरेट करने लगे हैं इसको। हम लोग फर्स्ट को डेकोरेट करते हैं, बट इस दफ़ा हम लोग बिजी बहुत थे, तो अभी जो है वो काम चल रहा है इनका। और ये देखे सब सामान रखा हुआ है इन लोगों ने। एबनर कितना प्यारा लग रहा है। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत लग रहा है क्रिसमस ट्री को, जब हम डेकोरेट करेंगे तो ऑलमोस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने खान की भी बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि अपने खान को भी बहुत दिलचस्पी है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि उसके पापा को भी बड़ी दिलचस्पी है डेकोरेशन के हवाले से। कोई भी इवेंट हो तो मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेशन करता हूँ। सो गाइस, अभी जो है वो लाइटिंग होगी ट्री में, ट्री आप देखें ज़रा, सब पूरा ट्री खुल गया। और मैं तो ये कह रही थी लाइट आएगी, तो फिर चेक करके फिर लाइटें लगाए, ये ना हो चलती ना हो तो फिर इतनी मेहनत जाए। हाँ, ये भी बात सही आपकी, कि अगर लाइट अगर नहीं चले तो फिर क्या करेंगे। वो छोटा वाला ट्री डेकोरेट कर लो आप लोग, हाँ उसकी वार्म लाइट चलती है। चलो ठीक, बॉल पेंडिंग में रखते हैं जी, बिल्कुल लाइट आने तो वो गाइस को फिर दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लाइट आने तक इसको वेट करते हैं इसका। सो गाइस, अभी जो है वो छोटा ट्री जो है वो खोल लिया, और इसको सारा खोलेंगे। पिंक वाला है ये, ये पिंक है, ये हम लोग लगाते हैं अपनी फ्रिज पे, है ना अभी? हाँ। ऐसे नहीं बोले, मुझे दो दो जी, दो ये यूं करके। तो सो गाइस, हम लोगों ने पहले छोटे ट्री को डेकोरेट करना शुरू कर दिया है, साथ मेरे अपने कान और रहने भी है। हमारी जो छोटी ट्री है पिंक वाली, वो
रेडी हो चुकी है, हम लोगों ने लाइटिंग भी लगा दी और ये डेकोरेटर भी हो चुकी हैं और बहुत अच्छे लग रही है। अभी आप लोगों की जो लाइटिंग है वो भी आपको दिखाएंगे। चले गए इससे चलते लाइट की तरफ। तो फाइनली ये जो क्रिसमस ट्री है छोटी, ये रेडी हो चुकी है। ये पिंक वाली है, ये मेरी मिसेस ने इसको डेकोरेट किया और साथ में अपने रहने भी थे, तो बहुत अच्छी लग रही है। ये हम लोगों ने अपनी फ्रिज के ऊपर रखी है, तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये है सेंटा क्लॉज। और ये दूसरी भी डेकोरेट हम लोगों ने क्रिसमस ट्री कर दी है। ये देखिए ये बड़ी वाली है, बहुत अच्छी लग रही है। जब ये लाइट बंद होती तो उससे भी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने काशी वास्क्रो को याद रखिए। थैंक यू सो मच।